सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर। आज तो आपने देखा होगा भाई, रेल विकास निगम लिमिटेड ही नहीं है, रेलवे के जो सभी स्टॉक्स हैं लगभग सभी शेयरों में एक ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। इसके पीछे कुछ ना कुछ बड़े रीजन्स थे, वो मैंने आपको सुबह के वीडियो में बताया था, जो रेलवे के ऊपर मैंने बनाई थी, जहाँ पर इन शेयरों को भी कवर किया था। 2-3% के आसपास तेज़ी बनी हुई थी जब मैंने वीडियो बनाया, और उसके बाद आप लोग देखोगे 6-7% तक स्टॉक ऊपर उछला है। आपने देखा होगा अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें 36,000 करोड़ के न्यू प्रोजेक्ट्स को जो अभी मंजूरी मिल गई है, जो आप लोगों को पता होगा पोर्ट्स वगैरह बनेंगे, वो भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है। इसके साथ साथ लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रही कंपनियों को, रेलवे को खासतौर पर आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं। इन सबको देखते हुए आने वाले टाइम में जबरदस्त इफेक्ट रहने वाला है इन रेलवे शेयरों के ऊपर। इसके साथ साथ आप लोग देखोगे भी प्रधानमंत्री जी ने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है जम्मू कश्मीर में, कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के ऊपर जो है भी रेल चलेगी। तो ये जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, ये जो लगातार आप लोग रेलवे को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं कंपनी को, लगातार काम मिल रहे हैं, उन सबको देखते हुए इन शेयरों में और रैली बनेगी। तो मार्केट क्लोजिंग के बाद आप लोग देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड में एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा, और कल के दिन GST काउंसिलिंग भी, उसका भी इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, मार्केट भले ही आज डाउन गई हो, लेकिन ये जो शेयर है रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिरकार खबर क्या आई है। जैसा कि यहां पर आप लोग देखोगे रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है। ये जो नोटिस आया वो अभी आते हुए नजर आया। अभी जाहिर सी बात है, मार्केट क्लोजिंग के बाद अगर न्यूज आई है तो इसका इफेक्ट हमें मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर देखने को अवश्य मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो भी NSE BSE की साइट पर इसका वेरिफिकेशन आप लोग कर सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो भी कंपनी जो है एक लोएस्ट बीडर के रूप में उभरी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे को, रेलवे की तरफ से कंपनी को एक और ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। तो चलिए देखते भी ऑर्डर की डिटेल जानकारी आपको देते हैं। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे से जो है आप लोग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। डिजाइन सप्लाई जो इरेक्शन टेस्टिंग एंड कम्यूजनिंग करने जा रही है भी कंपनी, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर इसके ऑर्डर्स के डिटेल जानकारी ले लेना भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखो टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट अभी 191,53,74,279 की। इसके बाद आप लोग देखोगे 18 महीने में जो कंपनी है इसे कंप्लीट करते हुए नजर आएगी। तो 18 महीने में कंपनी इसे कंप्लीट करेगी। यही नहीं है भाई, इससे पहले भी कंपनी ने कितने ऑर्डर विन किए हैं, इस जून मंथ में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा नहीं 15 ऑर्डर्स के करीब कंपनी ने विन किए हैं। जी हाँ, 15 ऑर्डर लगातार कंपनी को ऑर्डर पर ऑर्डर, एक एक दिन में 2-3 ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। तो 15 से 16 ऑर्डर कंपनी ने इस जून महीने में जो अभी अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं, और यही नहीं अपनी ऑर्डर बुक में ऐड ही नहीं किए हैं, अभी तो महीने के दिन बाकी हैं भाई, ठीक है। एक वीक वैसा का वैसा ही है, उस एक वीक में कंपनी को और भी ऑर्डर मिल सकते हैं। इन सब को देखते हुए स्टॉक में हमें मंडे के दिन फिर एक्शन देखने को मिलेगा, फिर स्टॉक जो है अभी गैप अप ओपन होते हुए नजर आएगा। इसके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो, लेवल्स वगैरह मैं आज शाम की वीडियो में आपको दे दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।